हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे जो है सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा वीडियोज़ में। तो आप मेरे वीडियोज़ में जैसे ही देखेंगे तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप मुझे उसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल के जो है मेंबर बन के भी जो है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया, ये नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी यानी कि NIT कैलिकट से आया है और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। तो यहाँ पे आप जैसे ही जो है इस पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन इस टाइप से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि NIT कैलिकट जो कि केरला में सिचुएटेड है वहाँ से जो है फैकल्टी रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन वो रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट और स्कूल्स में जो है यहाँ पे पोजिशन निकाली गई है, जैसे आपका आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सारी जो है डिपार्टमेंट या स्कूल देखने को मिलेंगे। वहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी वैकेंसीज कितनी, तो टोटल यहाँ पे जो है आपको 137 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें जनरल, OBC, SC, ST, EWS जो है सारा यहाँ पे डिवाइडेड। तो सारा मिला के आपको टोटल 137 जो है वैकेंसीज वो देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन अंदर जनरल एंड OBC कैटेगरी हैव टू पे अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 2,500 पर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ 2,500 रुपीज़ पे करना है आपको यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, वहीं अगर आप जो है SC, ST, PWD या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे करना है 1,000 रुपीज़ पर एप्लीकेशन। इसके अलावा आप जो इंटरनेशनल अप्लाइंग फ्रॉम अब्रॉड, अगर बाहर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 5,000 पर एप्लीकेशन आपको जो है यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जो है किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका जो है लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे आप SC, ST या OBC में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है उसका लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा कुछ और हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीनिंग कमिटी सेल्फ शॉर्टलिस्ट एलिजिबल एंड मोस्ट डिजायरेबल कैंडिडेट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, स्क्रीनिंग बाद आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए आप जो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके यहाँ पे कोई डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेडी फॉर अपलोडिंग विद द एप्लीकेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोडिंग के टाइम पे जो है ऑनलाइन अप्लाई जब करेंगे तो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे आपका वैलिड फोटो ID होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ट्रांजेक्शन ID ऑफ योर एप्लीकेशन फी पेड थ्रू SBI कलेक्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इंडिकेटिंग द कैडर एंड पे लेवल, पब्लिकेशन, पेटेंट्स, कॉपीराइट डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग, समर विंटर स्कूल अटेंडेड, कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप अटेंडेड एंड प्रेजेंटेड पेपर्स, डिटेल्स ऑफ स्पॉन्सर्ड एंड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, फेलोशिप मेंबरशिप प्रोफेशनल बॉडीज, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, टेस्टिमोनियल्स और अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट। तो ये सारा चीज़ जो है आपको प्रिपेयर करके रखना है सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये सारा चीज़ जो है आपको अपलोड करना है। तो आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको www.nitc.ac.in/FR2023/ पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो है डायरेक्टली रिक्रूटमेंट पोर्टल का इस टाइप का जो है पोर्टल आपको जो है ओपन होके दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 26 अप्रैल 2023 है 8 AM, और जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपका रहेगा 15 मई 2023 11 PM। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे, बाकी आपको जो है दिया गया है कि आपको कि सेंसर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका पे लेवल क्या रहेगा, रिलेवेंट एक्सपीरियंस और एक्यूमुलेटिव सेंसर क्रेडिट पॉइंट्स कितना है, वो सारा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का जो है पे लेवल 10 दिया जाएगा ग्रेड। ठीक है,
असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू पे लेवल 11 दिया जाएगा, एजीपी 7000, तो इस वजह से आपको यहाँ पे डिफरेंट ग्रेड पे देखने को मिलेंगे। साथ ही यार आपको एसेंसर क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, फिर रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव एसेंसर क्रेडिट पॉइंट्स भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबको ये सारा जो है चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आप उसके लिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली कि रिसर्च एरिया और स्पेशलाइजेशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो फॉर सपोज अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विद एमटेक एंड पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक जो है स्पेशलाइजेशन एरिया मांग रहे हैं, तो अगर आपके ये है एरिया में आपका स्पेशलाइजेशन है तभी आप इसके लिए अप्लाई करिए। अदरवाइज अगर आपका एनिमल साइंसेस में आपका है, या आपका प्लांट साइंसेस में, या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में आपका पीएचडी या बीटेक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं अगर आपका यहाँ पे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आपका है या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, तब आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने मेंशन कर रखा है पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, एक नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी होता है, या आपने स्पेशलाइजेशन प्लांट या एनिमल में भी किया तब भी आपको यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे पूरा हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन था। तो इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको रखनी है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 137 जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बाकी आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन देखने को मिले जाएंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, तो इस टाइप से ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपको क्या क्या लगेगा, जो मैंने ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको जो बता दिया है, ठीक है, कि आपको वैलिड फोटो आईडी होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th का मार्कशीट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ट्रांजेक्शन आईडी आपको चाहिए होगा एसबीआई कलेक्ट का, जब आप फी पेमेंट करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये सारा चीज़ आपको एक अच्छे से आप पहले एक फोल्डर बना के इसे रेडी रखिएगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आता है तो या वाइल फिलिंग द दिस एप्लीकेशन इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट अस यूजिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इन्होंने फोन नंबर मेंशन कर रखा है 9 AM to 5:30 PM, आप इसके बिटवीन कभी भी जो है अपना जो क्वेरी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बाय ईमेल भी जो है आप क्वेरी ले सकते हैं @frqueries@nitc.ac.in पर, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए आपको कोई डाउट होता है तो आप फ़ोन के थ्रू और ईमेल के थ्रू भी जो है अपना क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फी पेमेंट इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू लाइक हाउ यू कैन लाइक पे द फी, तो उसका पूरा फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्लिक द लिंक, तो इस लिंक पे जैसे आप इस टाइप से क्लिक करेंगे, ओपन लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे फी पेमेंट का जो है कि आपको कैसे पे करना है फी, ठीक है, तो वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको क्लिक करके जो आप कर सकते हैं फी पेमेंट, तो यहाँ से इस टाइप से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका का कौन सा जो है इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उस टाइप से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सब फी पेमेंट वाला ऑप्शन है, इसे आप अच्छे से करके जो है आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, NI कैलीकट। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी आ नहीं रहा है, लेकिन आप जब देखेंगे तो इसीलिए इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए कि आपको फ़ी पेमेंट कैसे करना है, ठीक है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आपका ट्रांजेक्शन आईडी आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू ही जो है आपको यहाँ पे जो है फ़ी पेमेंट का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए मेंशन कर रखा पूरा स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक टू प्रोसीड, फी SBI कलेक्ट विल आस्क फॉर इंस्टीट्यूशन स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट केरला करना है, फिर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको करना है। तो इस टाइप से इन्होंने पूरा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो आपको ये सारे स्टेप जो हैं आपको यहाँ पे प्रोसेस करने हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप से केरला आपका आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो इस स्टेप को आपको फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है, स्टेट ऑफ कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट केरला, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नाम आपको मेंशन करना है, डायरेक्टर NIT कैलिकेट, तो इस टाइप से आपका ओपन हो जाएगा आपका
लाइक पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट कैटेगरी में एप्लीकेशन फीस फॉर FR 2023 ये करना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सारा पेमेंट इस टाइप से करना है, ठीक है। तो इस स्टेप को आपको फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है, इस स्टेप को यहाँ पे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये इसका फी पेमेंट वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको जो है रजिस्टर करना है, सबसे पहले आपको ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मोबाइल नंबर ये डाल के आपको यहाँ पे जो है रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और आपको अपने जितना जो भी मैंने बताया आपको क्या क्या लगेगा उसका एक सेपरेट आप फोल्डर बना दीजिएगा ताकि आप जल्दी जल्दी उसे अपलोड कर सकें, ठीक है, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकें, ठीक है। तो ये सारा था वीडियो में, तो अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।